या एक लिया ही बात को नहीं आकर अपना मन मर्जी से जैसे कर दिया या गुरु जी बिल्कुल पसंद कर सकता। बहुत बार देखे एक बार तो जो है कि अपने हाथों के नजदीक दखड़ कोई गांव है उठे जाके नहीं बोला मारे गरा हो मारे गुरु मर्जी चला गया। अब चला गया तो दोनों उठे या स्थिति हमारी देख छोड़ी है आगे वो चारों तरफ दोनों इतनी की जगह थी पानी भरो बरसात हो रही थी कोई हम भैंस बांध रखी और फिर बाद वो बने बोला महाराज जी आया बड़ा हमने तो थोड़ा दूध भी पीऊ तो इतनी माखी हमारा जीवन में कितने देखी हुई तो यूं यूं हटाता हटाता भी हटाता हटाता भी उठे दोनों ऐसो वातावरण तो मक्खिया ही मक्खिया दूध महाराज जी लियो तो यूं कपड़ा से यूं करता करता भी दोनों फिर भी कोई दिखो पर वो थोड़ा सा मुंह लगा के वो मान रख और वह भैंस उठे बैठी थी वह गोमूत्र करना के बाद में जो है पेशाब करने के बाद से छींटा मार छींटा भी महाराज जी करता है बिल्कुल भी प्रसन्नता जो है 1% भी कोई योग नहीं अगर तुम कठे ले आके बैठा दिया कैसे वातावरण कर दिया और फिर बाद में जो है जब एकांत हुआ तो गुरु महाराज जी ऐसा रह के नहीं बोला गुरु भाई सबकी प्रसन्नता में प्रसन्नता है परमात्मा में निवास करे है आपको बिगड़ को कपड़ा तो लेना जाए नाला का तो भैया जो है ना सबकी प्रसन्नता जो है ना बहुत ज्यादा और गुरु महाराज जी की सब बात जानो हो जाएगा जीवन में ज्यादा डर जाएगी और ज्यादा खुश हो जाओगे जीवन में कम डराएगी और थोड़ा बेचैन हो जाओगे पर बाकी लास्ट में जो है ये उपाय करना ही पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं है दर्जी क्यों गुरु महाराज जी ऐसा संत होया है ऐसा तो न सतगुरु आया है भगवान और भाई तारले कुछ भी कुछ भी मानता हो तो जन्म परमात्मा भगवान कृपा करा तो बार बार ही अपराधना जैसी कृपा मात्र करा के नहीं सब पता है और खूब प्रसन्नता हुआ था सदगुरुदेव भगवान की जय।